तो लास्ट टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D। इसमें टाइप वन क्वेश्चन कैसे आएगा, जो ऑलरेडी आज हमने किया था, जिसमें आपको ये बॉल गिवन होगी M1, ये वेलोसिटी गिवन होगी मान लो U, और ये सेकेंड बॉल गिवन होगी मान लो M2 लाइंग एट रेस्ट, और आफ्टर कोलिजन M1 बॉल जो है वो मूव कर रही होगी विद द वेलोसिटी ऑफ V1, और M2 बॉल मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ V2, और आप एज यूजुअल ये थीटा वन और थीटा टू लेंगे और सेम कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे। पहला कंपोनेंट M1 V1 कॉस ऑफ थीटा वन, और एक कंपोनेंट M1 V1 साइन ऑफ थीटा वन, और ऐसी M2 V2 कॉस ऑफ थीटा टू, और बिल्कुल वैसे ही M2 V2 साइन ऑफ थीटा टू। तो हमेशा की तरह एक्स के अलॉन्ग मोमेंटम कांस्टेंट करेंगे, M1 U प्लस 0 M1 V1 कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस M2 V2 कॉस ऑफ थीटा 2, इक्वेशन नंबर 1। और ऐसी वाई एक्सिस में करेंगे, टक्कर से पहले दोनों मोमेंटम 0, M1 V1 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस M2 V2 साइन ऑफ थीटा 2, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं करेंगे, तीसरी क्वेश्चन नहीं बनती। तो ये वाला पार्ट तो ओवरलैपिंग है इलास्टिक कोलिजन के साथ, सेम चीज़ है। तो ये पहले टाइप की प्रॉब्लम है जिसका आज एक क्वेश्चन भी हमने किया था, 30-30 डिग्री वाला, तो याद करो उसमें V1 V2 निकाला था हमने, वो इस टाइप की प्रॉब्लम थी। वो आसान प्रॉब्लम है, उसके अंदर रेस्टिट्यूशन यूज़ नहीं हो पा रहा। ठीक, इसके बाद टाइप टू क्वेश्चन करते हैं जिसमें रेस्टिट्यूशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, टाइप वन तो क्लियर है, ये तो हमने कर भी ली। आखिरी टाइप का क्वेश्चन सुन लो, हमने किया नहीं, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन है। ई को कैसे यूज़ करना है वो आखिर, इसमें ई को यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको एंगल सारे गिवन हैं, फिर V1 V2 अननोन है, V1 V2 आप निकाल लेंगे। ये सबसे आसान टाइप की प्रॉब्लम है। तो लिखें फिर टाइप टू प्रॉब्लम। टाइप टू प्रॉब्लम में इमेजिन करें ये एक दीवार है, वॉल है, वॉल है, और इमेजिन करें एक बॉल आ रही है, एक बॉल इसको हिट करने आ रही है विद M V1 वेलोसिटी के साथ, टक्कर हुई M V2 वेलोसिटी के साथ चली गई। बनाएंगे, तो एक बॉल आ रही है V1 के साथ आ रही है, V2 के साथ जा रही है, और रेस्टिट्यूशन वॉल का E है, रेस्टिट्यूशन E है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस होने वाला है, एनर्जी का लॉस होने वाला है। और सपोज इसमें ये जो एंगल है जिससे कि ये हिट कर रहा है वॉल के साथ, वो कितना है, थीटा 1 है, और ये एंगल थीटा 2 है, थीटा 1 के साथ आया, थीटा 2 के साथ बॉल जा रही है। क्या है पॉइंट, क्लियर है? थीटा 1 के साथ बॉल आई, थीटा 2 के साथ गई, ये क्वेश्चन है। इसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगे ये सिखा रहा हूं। इसके लिए एक काम करना है आपने, आपने इस लाइन को, ये लाइन देख रहे हैं ये वाली, इस इनिशियल मोमेंटम को आगे की तरफ ले जाएं, कोई फर्क ना पड़ता, ये वेक्टर आगे ले जाएं, ये मोमेंटम है कितना M1 V1, और अगर ये थीटा 1 है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी कितना है, थीटा 1 है। M1 V1 के इनिशियल मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा M1 V1 कॉस ऑफ थीटा 1, M1 V1 साइन ऑफ थीटा 1। तो ये कॉम्पोनेंट बनाए इनिशियल
बॉल का इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स के अलोंग, एक वाई के अलोंग, और नेक्स्ट है एम टू वी टू के कंपोनेंट्स बनेंगे। एक मोमेंटम का कंपोनेंट जो बनेगा यहाँ बनेगा, एम वन की जगह सॉरी एम रखना क्योंकि मास तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो मास तो सेम ही है, एम रखना प्लीज़। तो एम इंटू वी टू इंटू साइन ऑफ थीटा टू, और एक एम इंटू वी टू इंटू कॉस ऑफ थीटा टू। तो डायग्राम बना लें, तो इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट्स बना लें, फाइनल मोमेंटम के भी कंपोनेंट्स बना लें। तो इतना डायग्राम बना लें। सही है, बढ़िया सबने। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नया डायग्राम बनाना है एक, क्योंकि मेरे पास तो पेन है ना, तो मैं तो इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मैंने कंपोनेंट्स बना लिए, तो मेरे को ये चाहिए ही नहीं है, ये लो। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ कंपोनेंट्स चाहिए बस। तो आप प्लीज़ थोड़ा एफर्ट कर लें और फटाफट से ये डायग्राम फिर से बना लें। नेक्स्ट ऐसा सीक्वेंस डायग्राम है, कंपोनेंट चाहिए मुझे, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, नहीं आप घर जाके कंफ्यूज हो जाएंगे उस डायग्राम में। तो ये कंपोनेंट चाहिए मुझे, तो मैंने इनिशियल और फाइनल मोमेंटम की जगह कंपोनेंट्स बना लिया, अपना काम कंपोनेंट्स पे करेंगे। तो नेक्स्ट डायग्राम ये बनेगा इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, सही है। आगे अब ये इम्पोर्टेंट है, इसमें यही ट्रिक है जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ तक तो और कोई कर लेगा। ट्रिक ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे लिखे एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, पहले वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि वाई एक्सिस का मतलब लिख लें ब्रैकेट में अलोंग वॉल के साथ जो मोमेंटम है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम कितना है एम वी वन कॉस थीटा वन, फाइनल कितना है एम वी टू कॉस थीटा टू, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये इक्वेशन नंबर वन है। तो वॉल के अलोंग जो मोमेंटम्स हैं, ये टक्कर से पहले और टक्कर के बाद इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। कोई कहता है सर फिर ये मोमेंटम्स ये भी सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम नहीं रहेंगे, ये ट्रिक है इसमें। अब कोई कहता है ये सेम क्यों नहीं रहेंगे, अब यहाँ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। आप मुझे इस एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक आंसर दें, मैंने आपको सिखाया था कि अगर ये वॉल है और ये रेस्टिट्यूशन है वॉल का, अगर एक बॉल इसको हिट करती है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो हिट करने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है ए टाइम, मानते हो। अगर इसका मोमेंटम एम वी है तो फिर फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, ऐसे होता है। तो इसी डायग्राम को ऐसे एक्सप्लेन करें, अगर ये वॉल है, एक बॉल वी वेलोसिटी से हिट कर रही है वेक्टर आगे ले जाएं, टक्कर के बाद कोलिजन के बाद जो फाइनल मोमेंटम है इस तरफ वो कितना हो जाएगा ई टाइम्स एम वी, मतलब इसने एम वी से हिट किया तो ई टाइम एम वी से वापस जाएगी बॉल, तो ये मेरा फाइनल मोमेंटम है, ये मेरा इनिशियल मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम इज ई टाइम इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज ई टाइम इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल कितना है एम वी, फाइनल कितना हो जाएगा ई टाइम। मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं चलता इसमें, चेक करो जब भी कोई बॉल 90 डिग्री पे किसी ग्राउंड को या दीवार को हिट करे उसका फाइनल मोमेंटम सेम कभी नहीं रहेगा, वो ई टाइम हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, किया था
ये भी तो यही कह रहे हैं, एक बॉल ने हिट किया इनिशियल मोमेंटम, तो ये कौन सा मोमेंटम है इसका? इनिशियल मोमेंटम। ये कौन सा मोमेंटम है इसका? फाइनल मोमेंटम। और हमने एक रिजल्ट अभी अभी किया, क्या रिजल्ट किया हमने? रिजल्ट ये किया कि फाइनल मोमेंटम, और ये चीज किस पे लगती है? ये चीज उन मोमेंटम पे लगती है जो दीवार के साथ एंगल क्या बना रहे हैं? 90। दीवार के साथ नहीं, दीवार के साथ तो मोमेंटम सेम ही रहता है, उसके साथ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो सेम है, लेकिन दीवार के परपेंडिकुलरली फाइनल मोमेंटम इज ई टाइम्स इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इज एम वी टू साइन ऑफ थीटा टू ई टाइम्स एम वी वन साइन ऑफ थीटा वन। एम से एम कैंसल, तो यहां से क्या इक्वेशन आ गई? वी टू इंटू साइन ऑफ थीटा टू इज वी वन इंटू साइन ऑफ थीटा वन। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ई टाइम्स, सॉरी ई टाइम्स, हाँ ई टाइम्स। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यही ट्रिक है इसमें, जब भी कोई भी कोलिजन दीवार पे या ग्राउंड पे होगी, उसके कंपोनेंट्स बनेंगे मोमेंटम के, तो जो दीवार के साथ मोमेंटम बनेंगे या ग्राउंड के साथ मोमेंटम बनेंगे उनका तो कंजर्व रहेगा मोमेंटम, इनिशियल फाइनल सेम कर देना है, लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे उनको ई टाइम कर देना है। तो फाइनल इज इक्वल टू ई टाइम, यहाँ से आंसर आएगा। इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी शीट में आएगा, जो होमवर्क दूंगा, उसमें वो कहेगा कि वी वन वेलोसिटी से हिट किया बॉल ने, वी टू की वैल्यू निकालो। तो आप इक्वेशन नंबर वन बना लेना, वी वन इंटू कॉस ऑफ थीटा वन इज वी टू इंटू कॉस ऑफ कितना? थीटा टू, ये थीटा टू है, इक्वेशन नंबर वन। और इक्वेशन नंबर टू को यहाँ लिखना, ई इंटू वी वन इंटू साइन ऑफ थीटा वन इज इक्वल टू वी टू इंटू साइन ऑफ थीटा टू। ऐसे वन एंड टू इक्वेशन लिखना, और स्क्वेयरिंग एंड एडिंग भूलना नहीं, डिवाइडिंग नहीं करना, स्क्वेयरिंग जितना हटा सकते हो साइन कॉस हटाओ। तो यहाँ से स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करना, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग जब करेंगे तो आपके पास आएगा वी वन इंटू कॉस ऑफ थीटा वन का स्क्वेयर प्लस ई स्क्वेयर इंटू वी वन इंटू साइन ऑफ थीटा वन का स्क्वेयर वी टू स्क्वेयर, क्योंकि साइन स्क्वेयर और कॉस स्क्वेयर क्या हो जाएगा? वन। तो यहाँ से वी टू का ऑप्शन मार्क करना, वी वन स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा वन प्लस ई स्क्वेयर इंटू वी वन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा वन। ये मेरी ऑब्जेक्टिव शीट का होमवर्क है, उसमें ये ऑप्शन मिलेगा आपको, तो प्लीज़ इस थ्योरी को रेफर करना। इकलौता यही क्वेश्चन है जो सबसे डिफरेंट है, रेस्टिट्यूशन का यूज़ करना, बाकी सब नॉर्मल है। तो समझ में आया कॉम्पोनेंट्स बना के रेस्टिट्यूशन कैसे यूज़ करने हैं? बस ये इंपॉर्टेंट है।